पीएफ ऑफिस ने बताया कि आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ और क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। जैसे आपको पता होगा कि फिलहाल रिसेंटली पीएफ ऑफिस ने जो एक एसओपी रिलीज करे थे जिसमें इन्होंने पूरा इन डिटेल समझाया है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में। तो आज हम इसी टॉपिक का वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको पीएफ से जुड़ी हुई कुछ भी परेशानी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। थोड़े से कंसल्टेशन चार्जेस से फर्स्ट पे करना होता है, देन आपको हम कॉल करके असिस्ट करते हैं, गाइड करते हैं सही सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि एसओपी एक रिलीज हुई थी जिसमें पीएफ ऑफिस बता रही है कि आपको किस करेक्शन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए हम एक वन बाय वन हम देखते हैं जो कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले नेम और जेंडर के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट है, इट डजंट मीन कि आपको सारे डॉक्यूमेंट देना है। मिनिमम आपको 3 या 4 डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर करना है पीएफ ऑफिस के साथ। तो आप देख लीजिए आपके पास कौन सा है और जो भी डॉक्यूमेंट है उस पर नाम, डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें परफेक्टली मेंशन होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं दूसरा है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में भी मैक्सिमम 3, आप इतना समझ लीजिए कि आप जब भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म दें तो 3 या 4 डॉक्यूमेंट्स रखिए और मेक श्योर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब चीज़ें परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे है फादर नेम, मदर नेम, रिलेशनशिप के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपके पास 3 या 4 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं मैरिटल स्टेटस में। मैरिटल स्टेटस में आपको जो है 2 या डॉक्यूमेंट्स भी इनफ है। मैरिटल स्टेटस में मैरिज सर्टिफिकेट वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आधार कार्ड है, डिवोर्स डिक्री है, डिवोर्स डिक्री इज अ डिफरेंट वन, ओके एक सेकेंड गाइस, ओके, मैरिटल स्टेटस के लिए और पासपोर्ट भी आप चाहे तो एक दे सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ जॉइनिंग के लिए, डेट ऑफ जॉइनिंग के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। रीजन ऑफ लिविंग के लिए इसमें से भी अगर आप 2 डॉक्यूमेंट भी देंगे तो इट्स ओके, और डेट ऑफ लिविंग के लिए, डेट ऑफ लिविंग के लिए भी डॉक्यूमेंट्स है। ये सिर्फ आपको प्री डॉक्यूमेंट्स है, और भी डॉक्यूमेंट्स है इसमें रिक्वायरमेंट होती है लेकिन वो पीएफ ऑफिस मेंशन नहीं करी है। और यहाँ पे नेशनैलिटी के लिए देख सकते हैं और एक आधार कार्ड के लिए आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया है, पीएफ ऑफिस ने कर दी है, सारी चीज़ें दिखा दी है और ये जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपसे ये फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी और पीएफ ऑफिस ने दिखा दिए, भाई यहाँ पे देख लो फॉर्म भी दिखा दिए पीएफ ऑफिस ने। तो काफ़ी अच्छा जो एसओपी रिलीज करें, बट इट मे टेक सम टाइम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।